मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ये कार्यक्रम जो है वो है राहु के ऊपर। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से राहु का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, जो पिछले करीब करीब 18 महीनों से चल रहा है। बृहस्पति भी आए राहु के साथ, उम्मीद जागी कि बहुत बढ़िया योग आ जाएगा। बृहस्पति महाराज आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, सब वारे न्यारे करने के योग बनाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तुला राशि वाले जिस प्रकार से, कारण क्या है, राहु और बृहस्पति की युति हो गई, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया। 12/4/2022 को राहु यहाँ पर आए थे और तब से राहु ने महाराज ने बहुत कष्ट देने के योग बनाए होंगे। कष्ट कई प्रकार से, पारिवारिक जीवन में अशांति, कई प्रकार के जो पूर्ण कारण होने वाले थे, कार्य होने वाले थे, उनमें डिले कर दिया, कई परिवर्तन के योग बना दिए राहु के दृष्टिकोण से। यहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न हुई, ऐसे में विशेष तौर पर अब राहु बदलने के योग बनाने वाले हैं और बहुत सुंदर योग बनेगा राहु आपके जब बदल जाएंगे। राहु जब आपके छठे भाव में चले जाएंगे बदल कर मीन राशि में जब जाएंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा। लेकिन अब राहु समझिए, जितना राहु जो कोई ग्रह कष्ट देता है, जब परिवर्तन की तरफ योग जा रहा होता है, बदलने वाला होता है, उससे पहले उन कष्टों को समाप्त भी करने का योग देता है। क्योंकि जीवन में हमने जो कुछ देखा, शास्त्र कहा गया है, गरुड़ पुराण के अंदर श्लोक आया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे द्वारा जो भी कर्म हम होते हैं, जो कष्ट हमें आते हैं, वो हमारे कर्मों के द्वारा होते हैं। चाहे शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल प्राप्त होगा। तो इस बात को समझ लीजिए, कहीं ना कहीं कष्ट हुआ तो हमने कुछ दुष्कर्म हुआ हमारे द्वारा, उसके कारण से कष्ट आ जाते हैं और वो ग्रह योग परिवर्तन के बाद से वो ऐसा योग बन जाता है। और जब ग्रह परिवर्तन के योग बनते हैं तो उस समय में वो सारे के सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है, उन सबका भोग हमें करना पड़ता है। लेकिन अब ग्रह ने आपको कष्ट तो दे दिया, लेकिन अब जा रहा है तो कहते हैं जाता हुआ ग्रह कई बार कष्ट देने के बाद आपको सुख भी दे के जा सकता है। जब ट्रांजिट का समय आता है तो ग्रह अपनी पावर को शून्य कम कर देता है, ऐसे में प्रभाव भी कम होता चला जाता है। इसको ऐसे सिद्धांतिक तौर पर मान लीजिए आप कि जैसे पानी का प्रेशर किसी टंकी में बहुत ज़्यादा है, आपने जो छेद किया तो वो धार कितनी दूर पड़ेगी, उसका प्रभाव पूरा होगा, जमीन में छेद तक कर देगा। और जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उस पानी के प्रेशर में भी धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी और वो जो आघात पृथ्वी पर उस जगह पर हो रहा था उसमें भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब राहु महाराज निकल रहे हैं भाव से, तब उनका कष्ट कम करने का समय आ गया। यदि आप हमें क्या होता है कि ऐसे समय में जब भारी समय पूरा पड़ रहा है, परम पूर्ण प्रभाव का काल चल रहा है, तो ऐसे में वो उपाय काम नहीं कर रहे थे। अब वो परिवर्तन का समय आ गया है तो वो प्रभाव, हम छोटा सा उपाय भी बहुत सुंदर तरीके से हमारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। तो सुंदर तरीके से उपायों को आप कर लाभ ले सकते हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। आमतौर पर सूर्यमंडल के अंदर सूर्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। जब वो उदित होते हैं तो समस्त प्रकाश से कोई भी ग्रह दिखाई नहीं देता, रात को तारामंडल दिखाई देता है, विभिन्न छोटे छोटे तारे दिखाई दे जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य प्रस्फुटित होते हैं, वो तारा हैं तो तारे वहीं, लेकिन गायब हो जाते हैं। शुक्र इत्यादि, मंगल इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि, शनि इत्यादि, समस्त जितने भी कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र जो सब सामने उपस्थित होते हैं रात्रि में, वो सब सूर्य के निकलते ही गायब हो जाते हैं। और जब राहु सूर्य को ग्रसित करता है तो सूर्य ग्रह गायब हो जाते हैं। सूर्य विशेष तौर पर उस समय पर उन ग्रहण लग जाता है सूर्य को। तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा हुआ, राहु ग्रह। सूर्य को भी जो विशेष तौर पर ग्रास में ले ले, सूर्य को भी ग्रहण लगा दे, तो इसलिए राहु का प्रभाव इतना खराब माना जाता है। आमतौर पर राहु को लोग इग्नोर कर देते हैं, शनि 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 की बात करते रहते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और पिछले 18 महीने से आपने ये देखने का प्रयास किया होगा कि बृहस्पति शुभ फल देने आए, वहाँ बैठे, 4-6 महीने हो चुके हैं और तब तक वो फल नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत सुंदर योग बनने वाला है कि राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 30 तारीख को राहु परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे राहु आपके छठे भाव में जाकर आपकी राशि के अनुसार से। लेकिन उससे पहले, जब बदलने से पहले, अब राहु का लाभ कैसे लेना है वो भी समझ लीजिए आप सुंदर तरीके से। कुछ उपाय खास हम आपको बताते हैं, शायद आपने पहले वीडियोस हमने नहीं देखे होंगे, हमने समय समय पर बताए बहुत सारे लोग, लेकिन जो लोग प्रश्न कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए कैसे परिवर्तन का समय आएगा, चिंता ना करें, परिवर्तन का समय आपके उपायों से आएगा, आपके कर्म से आएगा, आपके सही दिशा में सोचने से आएगा, सही दिशा में कर्म करने से आएगा। सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन पुरुष,
पावत नाही। तो सही दिशा में सही समय पर यदि कर्म कर लिया जाए तो वो सुंदर तरीके से लाभ दे सकता है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, पिता का सम्मान, जितना सुंदर तरीके से पिता का सम्मान आपके द्वारा होगा उनका आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे में राहु और का प्रभाव जो है, केतु का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, इन तीनों के प्रभाव को मिश्रित करते हुए मुझे एक बात समझ में आती है हमें कि ऐसे में पिता का आशीर्वाद आपके समस्त कष्टों को दूर कर सकता है। और आपने देखा भी होगा यदि आप जिन दिनों पिताजी के चरण छूकर कोई कार्य करने गए, पिताजी का आशीर्वाद लेके कोई कार्य करने गए, आपकी वो समस्याओं को ठीक करने में कुछ ना कुछ देव कृपा से प्राप्त मिला। भगवान को बाद में पूछना, पहले पिताजी की के आशीर्वाद लेकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये सुंदर तरीके से उपाय आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। एक उपाय और नोट कर लीजिए, सुबह सूर्य उदय से पहले श्वान के लिए कुत्ते के निमित्त रोटी और दूध अपने घर के बाहर डाल दीजिए। नित्य प्रति ये उपाय कुछ दिन करके देखें, कुछ दिन का परिवर्तन का समय है। देखिए किस्मत जागने को टाइम नहीं लगता, चुटकी बजाते ही कई बार किस्मत जाग जाती है। अभी परेशान थे, पता नहीं लगातार कई सालों से चल रहे थे और एक सूचना आई कि भाई साहब आपकी लॉटरी खुल गई है, भाई साहब आपका कार्य, आप उस पद पर पहुँच गए हैं। और बिल्कुल कष्ट कहाँ गया, बिल्कुल गायब, जैसे गधे के सिंह से सर से सिंह गायब हो जाते हैं, वैसे ही परिवर्तन का योग बन जाता है। तो आप समझे कि राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में बड़े कमजोर हैं, और ऐसे में कुछ हल्का सा उपाय, एक छोटी सी एक घड़ी आधी से बुनियाद, तो ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से आपका छोटा सा कर्म बहुत सुंदर तरीके से लाभ दे सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जो सौभाग्यवती हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके पिता उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद नित्य प्रति लीजिए। देखिएगा चमत्कार परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकता है। और यदि संसार के क्रम के अनुसार से वो नहीं है आपके साथ तो उनके निमित्त तर्पण इत्यादि आप कर सकते हैं। शादी चल रहे हैं, ऐसे में सुंदर तरीके से वो भी लाभ ले सकते हैं। नित्य प्रति अपने पिता के निमित्त किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा तर्पण अवश्य कराने का प्रयास कीजिए, पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कराने का प्रयास कीजिए। यही नहीं कि उस तिथि में कर लें, मैं कहूँगा इन विशेष तौर पर इन दिनों में रोज आते हैं, 15 दिन का शादी का अवसर है, नित्य प्रति कर दीजिए उनके प्रति शादी। वैसे तो हर रोज करना चाहिए, हर संतान को कहा जाता है कि 3 पीढ़ी तक नित्य प्रति अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा हाथ में लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, थोड़ा तिल डालिए और इस देव, ये देवतीर्थ है आगे वाली उंगलियाँ, ये पितृतीर्थ है, हल्का सा लोटा लेकर इस प्रकार से हल्का सा तर्पयंताम तस्मै सुधा, स्त्री है तो पुरुष है तो तस्मै सुधा, और ये जल में थोड़ा सा तिल डालकर उनका ध्यान करते हुए इस बात से केवल कि ये मिता पिताजी को जल प्राप्त हो, उनके निमित्त तर्पण करने से आपके पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये श्राद्धों में अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात बताई हमने, श्वान को, कुत्ते को रोज दूध और रोटी अवश्य सुबह सूर्य उदय से पहले पहले, सूर्य उदय के बाद वो प्रभाव कम हो जाएगा लेकिन सूर्य उदय से पहले पहले यदि आपने ये उपाय कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। और ऐसे में यदि एक काम और कर ले आप, हनुमान जी को नित्य प्रति आप शनिवार के दिन विशेष तौर पर जितने शनिवार पढ़ें, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ आपके शनि को भी ठीक कर देगा। ये खास उपाय बता रहा हूँ, शनि के खास तौर पे उपाय कर लेने चाहिए इस समय पर, जो आपकी राशि के अनुसार से जो विशेष योग बना रहे हैं उनको ठीक करने से आपके राहु पर शनि की दृष्टि चल रही है इस वक्त। ऐसे में यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से इनके कष्टों को निवारण करने के लिए बहुत सुंदर स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से कष्टों को निवारण करने का योग बन सकता है। तो ये उपाय हमने आपके समक्ष रखा। राहु ने यहाँ बैठकर कई सारे कष्ट दिए, पारिवारिक जीवन में अशांति करने के योग बना दिए। अब आप यदि घूम के देखिएगा, पीछे बैठकर यदि पीछे पलट के देखेंगे तो 18 महीनों में राहु ने क्या किया आपके साथ, अननेसेसरी की कष्ट देने का प्रयास किया, पति पत्नी में पारिवारिक जीवन में अशांति का वातावरण बना दिया, छोटी सी बात से पता नहीं कितना बड़ा बवाल मच गया। और इन सब के ये केवल कारण था राहु, और बृहस्पति ने वहां आकर ठीक करने का प्रयास किया लेकिन बृहस्पति भी इन दिनों वक्री हो गए, फिर गुरु चंडाल का योग बन गया तो वो भी कष्ट। लेकिन चिंता ना करें, अब सब कष्ट निवारण की तरफ जा रहे हैं और राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 30 तारीख के बाद राहु बदल जाएंगे और सब चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से लाइन, गाड़ी जो है लाइन पर आने के योग बना रही है। तो हमने कोशिश ये की है कि आपको वो सूत्र बताएं कि इस समय में राहु का प्रभाव कम होता चला जा रहा है, ऐसे में एक छोटा सा उपाय, आपका एक कदम आपकी किस्मत को 100 कदम आगे ले जाने का प्रयास कर सकता है। तो इस समय ये उपाय आपके लिए चमत्कारिक रहेगा। आशा करते हैं इन उपायों को कर आप सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास करेंगे। नंबर्स हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हम उन सब का निवारण भी आप अपॉइंटमेंट लेकर कर सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में यह आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य
किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं, बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है, भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं, आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।